हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम हर कठिन हालातों में, जहाँ यहाँ की जो टेम्परेचर है काफी कम है, इसमें भी हम आगे रहे हैं। मोदी की महिला शक्ति का हल्ला बोल। जी हाँ, इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर देश की महिला सैनिकों का दम दिखेगा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गणतंत्र दिवस परेड में महिला सैन्य बल के दस्ते को शामिल किया जा रहा हो। 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के मेहमान होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा के सामने भारत की महिला शक्ति का लोहा मनवाना चाहते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, एक साथ देश के करीब 450 जाबाज महिला सैन्य अधिकारी इतिहास रचने की तैयारियों में जुटी हैं। जिस्म गलाती ठंड में अंधेरा, कोहरा और सन्नाटे को चीरती देश की ये महिला सैन्य अधिकारी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगी। इस कड़कड़ाती ठंड में जहां पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा चुका है, ये महिला सैन्य अधिकारी पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ यहां पर अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इनके जोश, जुनून और जज्बे के सामने जैसे सर्द हवाओं ने भी घुटने टेक दिए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम महिला सशक्तिकरण है, जबकि इस खास मौके पर भारत के मेहमान होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से आह्वान किया था कि परेड में महिला शक्ति की झलक सेना से ही दिखनी शुरू हो। दरअसल इस बार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस की परेड में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को प्रमुख थीम के तौर पर दिखाना चाहते थे, लेकिन देश के 13 लाख के सशस्त्र बलों में महिला सशस्त्र बल की संख्या काफी कम है। ऐसे में राजपथ से लाल किले तक करीब 8 किलोमीटर लंबी मार्च को करने के लिए फिट और ड्रिल के स्टैंडर्ड के अनुसार सक्षम महिला अधिकारियों को जुटाना थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कोई आसान काम नहीं था। इस परेड में तीनों सेनाओं को मिलाकर कुल 444 महिला सैन्य अधिकारी हिस्सा ले रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं से 148-148 महिला अधिकारी होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस का जो थीम है वो नारी शक्ति है, और उसी के अनुसार हमें ये ऑर्डर मिला कि हमने भी एक अपनी प्लाटून जो है यहाँ पर प्रदर्शित करनी है, और उसमें हमने काफी सिलेक्शन किया ऑफिसर्स का, उनकी ट्रेनिंग करवाई, और जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ पर, हमें उन यहाँ पर परेड करवा रहे हैं और उनकी अच्छी तरह ट्रेनिंग की जा रही है। बच्चे रोज सुबह 6-4 बजे यहाँ पर उठकर अपना ट्रेनिंग करते हैं, और राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ तक पूरे राजपथ मार्ग पर उनका ट्रेनिंग चल रहा है। भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं, इनमें लगभग 55,000 पुरुष अधिकारी हैं, जबकि महिला अधिकारियों की तादाद महज 3,000 है। वायुसेना में करीब 11,000 पुरुष अधिकारियों के मुकाबले 1,350 महिला अधिकारी हैं। वहीं थलसेना में करीब 36,000 पुरुष अफसरों की तुलना में महज 1,300 महिला अफसर हैं, जबकि नौसेना में करीब 8,000 पुरुष अधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ 350 महिला अफसर हैं। भारतीय सशस्त्र बल में महिला जो सैन्य अधिकारी उनकी संख्या काफी कम है, ऐसे में कितना मुश्किल था इन 148 सैन्य अधिकारियों को आप लोगों को ने गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयार करना? हमें काम भी मुश्किल था, लेकिन जब जोश हो और आपका दृढ़ विश्वास हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और हमने 350 जो हमारे लेडी ऑफिसर्स हैं उसमें से 148 प्लस जो स्पेयर चाहिए वो सब यहाँ मौजूद हैं और अपना ट्रेनिंग का पूरे जोर से कर रहे हैं। 26 जनवरी 2012 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ने राजपथ पर एयरफोर्स परेड को लीड किया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के साथ। लेकिन इस परेड में हिस्सा लेने वाले बाकी अधिकारी पुरुष थे।
जबकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला सैन्य अधिकारियों का पूरा दस्ता परेड में शामिल होगा। आशुतोष गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और आखिर मोदी की महिला शक्ति में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को भी सोचने पर मजबूर कर देगा? राजपथ पर 26 जनवरी को मोदी की महिला शक्ति किस तरह देश और दुनिया का दिल जीतेगी, इन सब सवालों का जवाब खुद दे रही हैं वो तमाम महिला सैन्य अधिकारी जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए कमर कस चुकी हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार पहली बार भारतीय सशस्त्र बल की महिला कंटिजेंट भी शामिल होने जा रही है और इस समय हमारे साथ मौजूद है नेवल विंग यानी कि नौसेना की जाबाज कमांडर्स और अफसर। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो यहाँ पर तैयारियों में जुटी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहली बार है जब महिला सशस्त्र बल की टुकड़ी जो है, कंटिजेंट जो है, वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रही है, किस तरह का अनुभव इस समय आप कर रहे हैं? हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। हमारी जो कंटिजेंट है इसमें वेरियस सीनियोरिटीज की लेडी ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर से लेके जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी सब लेफ्टिनेंट है। काफी लेडीज मैरिड है जिनके छोटे बच्चे हैं, काफी लोग अंडर ट्रेनीज है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम हर कठिन हालातों में जहाँ यहाँ की जो टेम्परेचर है काफी कम है इसमें भी हम आगे रहे हैं। हम सुबह 2:30 AM उठते हैं या 3:30 तक मस्टर हो जाते हैं, 3:45 से हमारी परेड शुरू हो जाती है। हम सारे मेल ऑफिसर्स और एवरी मेल काउंटर पार्ट से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के, एकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में जितनी महिला सैन्य अधिकारी है वो युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, चाहे नेवल विंग हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। ऐसी स्थिति में ये जो आप परेड में लोग शामिल होंगे तो क्या आपको लगता है इसके बाद देश के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके बारे में बातचीत करेगा? देखिए अभी सभी जो हमारी ब्रांचेस है उनमें कॉम्बेटेंट एंट्री नहीं आई है, लेकिन भारतीय नौसेना की भी कुछ ब्रांचेस हैं जिनमें कॉम्बेटेंट एंट्री आ चुकी है, जैसे कि ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर एक ब्रांच है जो हिंदी में पर्यवेक्षक कहा जाता है, जो जो भारतीय वायुसेना में आप नेविगेटर कहते हैं, जो नेविगेशन करते हैं, इवन मिसाइल फायर करते हैं और सभी तरह के सेंसर्स कंट्रोल करते हैं, जो एक एंट्री है जो युद्ध में भाग लेती है। सो धीरे धीरे सभी ब्रांचेस में मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स विल कम इन कॉम्बेटेंट एंट्रीज। बेहद सर्द मौसम में कितना मुश्किल है आप लोग के लिए ये कदम ताल करना और ये पूरे अनुशासन के साथ परेड की तैयारी करना? क्या इस तरह की जो ट्रेनिंग आप लोग अक्सर करते रहते हैं या ये पहली मर्तबा है जब इस तरह की जो ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं? हमारे देश में फौजियों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनके लिए कोई भी हालात मुश्किल नहीं होता, हर हालात पे काबू पाना ही हमारी असली ट्रेनिंग है। परेड के बाद क्या आपको लगता है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो भी अब देश की जो सैन्य जो सशस्त्र बल है उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित होंगी? द स्ट्रेंथ राइट नाउ इज 350, जो आपको पहली कंटिजेंट कमांडर बता चुके हैं उसमें से 150 आ रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आफ्टर दिस परेड इतना होगा कि लोगों को भी महसूस होगा कि एज अ प्रोफेशन इट इज अ प्रोफेशन ऑफ प्राइड एंड ऑनर, तो वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि आके सेना ज्वाइन करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस बार यही इच्छा है कि इस बार की परेड का जो थीम है, प्रमुख थीम है, वो नारी सशक्तिकरण यानी कि महिला सशक्तिकरण हो। और यही वजह कहने की आप देख सकते हैं किस तरह से जोश, जुनून और जज्बे के साथ ये तमाम जो महिला सैन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर कदम ताल कर रही हैं, पूरी की पूरी तैयारी कर रही हैं। और एक मैसेज यहाँ से जो जनरेट होगा 26 जनवरी के दिन जब पूरे दुनिया भारत की नारी शक्ति का और देखेगी कि ये जो महिलाएं जो हमारी हैं सैन्य अधिकारी हैं वो किसी से कम नहीं है, और साथ ही साथ ये बात भी और आगे बढ़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिला है वो सशस्त्र बलों में शामिल हो सकेंगी। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ आशुतोष, जी मीडिया, दिल्ली। और भारतीय सेना में अधिकारी रैंक पर महिलाओं की भर्ती साल 1992-1993 से शुरू हुई, लेकिन दो दशक से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी भारतीय सेना में महिला शक्ति उम्मीद से बेहद कम दिखी। इस मामले में दुनिया के कई देश हमसे काफी आगे हैं। तक राजपथ पर हिंदुस्तानी फौज का दम दिखाने का दारोमदार सेना के पुरुष अधिकारियों पर ही ज्यादातर रहा है। सेना के तीनों अंगों और हर क्षेत्र में संख्या के तराजू पर पुरुषों का पलड़ा महिलाओं के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भारी है।
थलसेना में पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 3.3% महिला अधिकारी हैं, जबकि नौसेना में 3.9% और वायुसेना में 10.04% महिला अधिकारी हैं। 25 महिला अधिकारियों का पहला महिला बैच 6 मार्च 1993 को थलसेना में शामिल हुआ था, जबकि सेना में डॉक्टर के पद पर महिलाओं की भर्ती साल 1943 से ही शुरू कर दी गई थी। वहीं नर्सिंग में महिलाओं की पहली नियुक्ति साल 1927 में हुई। सेना में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह देने के मामले में अगर दुनिया के दूसरे देशों की ओर नजर डालें तो अमेरिकी फौज में 20% यानी करीब 2 लाख महिलाएं हैं, जबकि ब्रिटेन की सेना में 9% यानी करीब 18,000 महिलाएं हैं। कनाडा की सैन्य ताकत में महिलाओं की हिस्सेदारी 13% है। वहीं जर्मनी की फौज में करीब 6% महिला सैनिक हैं। आशुतोष गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। वक्त की तहों से निकलती खबर, जिनमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आवाज देंगे हम हर कदम, छोटी बड़ी खबरों का पूरा लेखा जोखा। देखिए अपना एमपी, अपना छत्तीसगढ़, रोज शाम 7 बजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। तेज खबर, तेज तेवर, बारीक नजर, गंभीर कलेवर, सूबे से लेकर संसार की खबर, हर खबर पर पैनी नजर। न्यूज सुपरफास्ट रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, अपना प्रदेश अपना देश। द वर्ड्स ऑफ अ राइटर डिफाइन्स एग्जिस्टेंस, ऑफ कलर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, of music with the notes of ink, and tales with words never spoken. Z Entertainment presents Jaipur Literature Festival, 21st to 25th January, Diggy Palace, Jaipur. Brought to you by Rajni Gandha. Rajni Gandha, dil mein hai duniya. Ek dhun jisse aam aadmi ko mile hausla. और मिटे धर्मों के बीच का फासला, यह है एक ऐसी धुन जो आई है भारत के दिल से। शहरों से गांव तक, खलियानों से कस्बों तक, आपकी बात आपके मुद्दों के साथ, सियासत और समाज की हर खबर। देखिए शहर शहर गांव गांव रोज शाम 6 बजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरों में महिलाएं पुरुषों की कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन गांवों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जरा ठहरिए और गौर से देखिए मध्य प्रदेश के सेंधवा जनपद पंचायत की दिलचस्प हकीकत। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की सेंधवा जनपद पंचायत के कमोदद गांव की। इस गांव के पुरुषों ने महिलाओं के लिए आरक्षित 6 पदों पर तो महिला पंचों को निर्विरोध नियुक्त करने में मदद की ही, साथ ही पुरुषों के खाते में आने वाले पंचों के बाकी बचे 6 पदों पर भी महिलाओं को निर्विरोध नियुक्त किया। इतना ही नहीं, इस गांव की सरपंच भी महिला ही है और वो भी निर्विरोध चुनी गई है। इस पूरी कवायद से पंच और सरपंच के चुनाव पर होने वाला खर्चा भी बचा है। चुनाव के पहले 3 दिन बैठे हम, उसमें सहमति ली गई कि गांव में झगड़े नहीं हुए और चुनाव निर्वाचित किया जाए और खर्चा बच जाए। हमारे गांव के सभी सरों सहमति से कर महिला को मौका दिया जाए, इसके लिए पूरे बॉडी को महिला पंच चुने गए। सभी पदों पर महिला को निर्वाचित किया जाए।
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों के समर्थन के बाद गांव की महिलाएं काफी खुश हैं और विकास के लिए काम करने की बात कह रही हैं। पंचायत में त्यामरा गांव में रोड भी निकालना छे, नोया भी लगाना छे, पानी साझो करना छे, घर कुल भी बनाना छे, स्कूल भी बांधना छे। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम इस गांव के पुरुषों ने कर दिया है। अब महिलाओं को अपनी नई जिम्मेदारी पर खरा उतरना होगा ताकि हर गांव में इस तरह की मिसाल कायम हो। वीरेंद्र वाशिंदे, जी मीडिया, बड़वानी। और अब बात केदारनाथ में हवाई देवदूत की। केदारनाथ में हिमालयन सुनामी के बाद अब एमआई 26 ने कायाकल्प करने का मोर्चा संभाला है। आप देखिए एमआई 26 के लैंडिंग की तस्वीर है। ग्यारह हजार 600 फीट की ऊंचाई पर उतरा दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर करेगा केदारनाथ की कायाकल्प। आठ पंखों की गड़गड़ाहट के साथ बर्फ से ढकी केदारनाथ की पहाड़ी पर उतर रहा यह है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर MI-26। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब MI-26 जैसे हेलीकॉप्टर को केदारनाथ जैसी संकरी घाटी में किसी पहाड़ पर उतारा गया हो। ये करिश्मा किया है हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने। दुनिया के सबसे भारी और सबसे ताकतवर मिलिट्री हेलीकॉप्टर माने जाने वाले Mi-26 की ये लैंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक केदारनाथ को दोबारा बसाने का काम तेजी से हो सकेगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इतनी ऊंचाई पर इतने खराब मौसम में इतना भारी सामान ले जाने में कामयाबी हासिल की। लगातार पहाड़ों पर मोर्चा जमाए बैठे और माउंटेन स्ट्राइक कोर बना रहे भारत के लिए ये महारत बहुत काम की साबित होगी। आपको 2013 जून की वो तस्वीरें याद होंगी जब केदारनाथ समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही की बाढ़ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदर्द। और वो तबाही इतनी बड़ी थी कि उससे आज तक केदारनाथ नहीं उभर पाया है। लेकिन अब 2013 में बाढ़ से बर्बाद हुए केदारनाथ को फिर से सजाने संवारने में MI-26 सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। इस हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स की 26 सदस्यीय टीम ऑपरेट कर रही। यह हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में 125 टन के जरूरी सामान को गौचर से केदारनाथ तक पहुंचाएगा। इस हेलीकॉप्टर की मदद से 5 हाइड्रोलिक लोड करियर, डंपर, 3 जेसीबी मशीन, बर्फ हटाने वाली मशीन और एक क्रेन यहां पहुंचाई जाएगी। और ये सब यहां पहुंच जाने से केदारनाथ को फिर से बसाने के काम में बेहद तेजी आ जाएगी। हेलीकॉप्टर फ्लीट की शान है, इसकी कैपेबिलिटीज अत्यधिक हैं, बहुत ही अत्यधिक हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। ये 20 टन अंडरस्लंग ऑपरेशंस में ले जा सकता है, तो बाकी आप समझिए AN-12 जैसा एक विमान टोटल 20 टन ले जा सकता था, ये 20 टन अंडरस्लंग में ले जा सकता है। इसका केदारनाथ पे लैंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। MI-26 को यहां उतारने के लिए 150x150 के आकार का हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड का निर्माण पिछले साल 18 अगस्त को शुरू हुआ था और इस साल दिसंबर में पूरा हो गया। इस विशालकाय हेलीकॉप्टर को 5 लोगों की टीम मिलकर उड़ाती है जिनमें 2 पायलट, 1 नेविगेटर और 1 फ्लाइट इंजीनियर शामिल होता है। MI-26 अपने साथ 90 जवान और 60 स्ट्रेचर ले जा सकता है। इसके अलावा MI-26 20,000 किलो तक का सामान ढोने में भी सक्षम है। पंखों के साथ इस MI-26 की लंबाई 131 मीटर है जबकि इसके पंखों की लंबाई 32 मीटर है। इतना भारी होने के बाद भी MI-26 295 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। MI-26 की सबसे खास बात यह है कि ये सैन्य अभियानों के साथ नागरिक अभियानों में भी काम आता है क्योंकि ये अपने साथ न सिर्फ युद्ध के टैंकर ले जा सकता है बल्कि बुलडोजर, जेसीबी और दूसरी मशीनें भी ले जा सकता है।
यहाँ तक कि MI-26 दूसरे भारी हेलीकॉप्टरों को भी लिफ्ट कर सकता है और उम्मीद है कि MI-26 की इसी ताकत का इस्तेमाल कर केदारनाथ को फिर से बसाने के काम में तेजी आएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी दाढ़ी पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि आज उनका ये शौक उनकी पहचान बन चुका है। नागौर के डीडवाना के रहने वाले हरीश सोनी दाढ़ी के दम पर पूरी दुनिया में पहचान बना चुके हैं। जरा आप भी देखिए। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स नागौर जिले के रहने वाले हरीश सोनी हैं। इन साहब को अपनी दाढ़ी से बहुत प्यार है, तभी तो ये अपनी दाढ़ी को अलग अलग डिजाइन देते रहते हैं। अपनी दाढ़ी को डिजाइन देने का शौक और जुनून ऐसा कि हरीश सोनी दाढ़ी के अब तक 400 से ज्यादा डिजाइन इजाद कर चुके हैं और इनका ये हुनर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। सबसे पहले मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सबसे पहले अचीव किया, सेकेंडली 2011 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीव किया। उसमें मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिस्टर समीर मेहता है उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया था 58 डिजाइन का और मैंने रिकॉर्ड सेट किया था 99 डिजाइन का। फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 126 डिजाइन का रिकॉर्ड मुझे दिया गया। हरीश सोनी पिछले 5 साल से अपने इस जुनून के चलते शहर ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हो चुके हैं। दाढ़ी बनाने में हुनर रखने वाले हरीश सोनी ने दाढ़ी की डिजाइनों के अलग अलग नाम भी रखे हैं। और जब भी वे कोई नया डिजाइन बनाने का फैसला करते हैं तो पहले दिमाग में उसका पूरा खाका तैयार करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आगे से आगे रेजर चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, बट इसका मैं प्लान जो है, मैं जैसे अभी ये बनी है इसके 3 दिन बाद में जैसे ही अंदर बियर्ड निकलनी शुरू होती है मेरा प्लान शुरू हो जाता है और 7 दिन लगातार मेरे दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा, कैसा होगा, किस शेप का होगा। हरीश सोनी की कामयाबी का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। डीडवाना के इस रत्न की चमक 7 समंदर पार इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है। लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें PhD की उपाधि से भी नवाजा है। और इस बीच मुझे अपने समाज की तरफ से और सर्व स्वर्णकार समाज की तरफ से, ब्राह्मण स्वर्णकार बीकानेर समाज की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। फाइनली मेरा अभी रिसेंटली जो अवार्ड मुझे दिया गया वो है PhD की उपाधि, मुझे ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री दी गई है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी UK की तरफ से। शौक से जुनून बन चुके हरीश सोनी के हुनर की आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। नागौर के इस शख्स ने दिखा दिया कि अगर हौसला और हुनर हो तो कुछ भी मुमकिन है। हनुमान तंवर, डीडवाना, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। तो बहुत है बट हाउ डू आई सक्सीड। MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। द वर्ड्स ऑफ अ राइटर defines existence, of colors in black and white, of music with the notes of ink, and tales with words never spoken. Zee Entertainment presents Jaipur Literature Festival, 21st to 25th January, Diggy Palace, Jaipur. Brought to you by Rajni Gandha. तफ्तीश।
प्रदेश के हर शहर का हाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर, तेज रफ्तार खबरें लगातार, 25 मिनटों में 25 खबरों का नॉनस्टॉप डोज, 25 मिनट 25 खबरें, सुबह 9 और 11 बजे, शाम 7:30 और रात 10:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रायोजक हैं लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल, सर्दी भगाओ मॉडर्न हो जाओ, फोर्टिफाइड सोयाबीन तेल, फोर्टिफाइड का निशान देकर ही खरीदें, और ड्रीम सीरीज फ्रॉम होंडा। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल, जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठें कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें, हर रविवार रात 9:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डबल टुनाइट, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू करवाते हैं, अवगत कराते हैं दुनिया में चल रही राजनीतिक हलचल, मौसम का हाल और साथ ही साथ हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की सुर्खियां भी बताते हैं और खेल की खबरें भी होती हैं। तो सबसे पहले इस वक्त हम बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बताएं जो बड़ी खबर आ रही है वो फ्रांस से ही आ रही है। फ्रांस की मोस्ट वांटेड महिला आतंकी सीरिया पहुंची है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। शुक्रवार को फरार हुई थी ये महिला आतंकी। तो फ्रांस की मोस्ट वांटेड महिला आतंकी, इसकी सीरिया पहुंचने की खबरें मिल रही हैं। शुक्रवार को फरार हुई थी ये महिला आतंकी हयात। तो आपको बताएं कि फ्रांस से फरार हुई महिला आतंकी भागकर सीरिया चली गई है और खबरें मिल रही हैं कि फ्रांस की मोस्ट वांटेड महिला सीरिया पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हयात बामीदीनी नाम की ये महिला आतंकी पहले सीमा पार करके स्पेन पहुंची और फिर इसने मैड्रिड से इस्तांबुल की फ्लाइट पकड़ी। इस्तांबुल तुर्की का बड़ा शहर है और तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है। आपको ये भी बता दें कि हयात बामीदीनी ही वो आतंकी है जिसने अपने पति के साथ मिलकर शुक्रवार को पेरिस में 6 लोगों को बंधक बनाया था। सुपरमार्केट में बंधक बनाए गए 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई थी जबकि 2 लोगों को छुड़ा लिया गया था। वहीं पुलिस ऑपरेशन में इस महिला आतंकी के पति की मौत हो गई थी जबकि ये फरार हो गई थी। तो फ्रांस में 7 जनवरी को 2 आतंकी भाइयों ने शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला बोल दिया था और दोनों भाई शुक्रवार को मारे गए थे पुलिस की कार्रवाई में। कुल मिलाकर कहें तो 3 दिन आतंकियों ने फ्रांस पुलिस के नाक में दम कर रखा था और ऐसे में अब जबकि ये खबरें आ रही हैं कि फरार महिला आतंकी हयात बामीदीनी सीरिया पहुंच चुकी है, वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता के ये विषय बन गया है। और सवाल ये है कि आखिर कैसे ये आतंकी अलर्ट के बावजूद पेरिस से भागने में कामयाब हो गए। प्रश्न पेरिस की पुलिस पर भी उठ रहे हैं, फ्रांस की खुफिया एजेंसी पर भी अब उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे ये फ्रांस की सीमा पार करके स्पेन में दाखिल हो गए। सवाल यह भी है कि आखिर कैसे इसने मैड्रिड एयरपोर्ट से तुर्की की फ्लाइट पकड़ ली और फिर कैसे ये तुर्की से सीरिया की सीमा में दाखिल हो गए। बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। तो एक आतंकी का इस तरह अलग अलग देशों में दाखिल होना ये चिंता का विषय है दुनिया के लिए। तो फ्रांस की मोस्ट वांटेड आतंकी जो महिला आतंकी है हयात बामीदीनी, इसके सीरिया पहुंचने की खबरें मिल रही हैं। फ्रांस से सीमा पार कर ये पहले स्पेन गई और ये फरार चल रही थी जैसा कि आपको मालूम होगा और इसका पति पहले ही पुलिस ऑपरेशन में शुक्रवार को मार गिराया गया था।
तो बड़ा प्रश्न ये उठता है, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि ये आतंकी तीन देशों की सीमा को लांघ कर चली जाती है और इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, आखिर कैसे? और आतंकी होने के बावजूद